हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियोस में हमने सिंपल मैनोमीटर का जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया है, जिसमें हमने पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर एंड माइक्रो मैनोमीटर के टॉपिक पढ़े थे और उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि ऐसा मैनोमीटर जो कि दो पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर का डिफरेंस मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है, ऐसे मैनोमीटर को बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो जो मैनोमीटर के आगे डिफरेंशियल लगा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मेजर करने वाले मैनोमीटर को हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। तो हमने इसकी इसको लास्ट वीडियो में हमने इसको कैटेगराइज किया था। तो उसके जो मेन हमारी जो क्लासिफिकेशन है जिसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं और जो हमको मेजरली पढ़ने होते हैं, वो है आपके फर्स्ट यू ट्यूब मैनोमीटर और यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब जैसा कि हमने सिंपल मैनोमीटर में देखा था माइक्रो मैनोमीटर, ओके, वैसे यहां भी एक होता है, दैट इज माइक्रो मैनोमीटर ऑफ डिफरेंशियल टाइप, यानी कि माइक्रोमैनोमीटर को जब हम लोग दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस मेजर करने की यूटिलाइज करेंगे, उस केस में उसको हम माइक्रोमैनोमीटर ऑफ डिफरेंशियल टाइप कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूट्यूब मैनोमीटर, दैट इज यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो चलिए देखते हैं यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में एक यूट्यूब को उन दो पॉइंट्स के बीच में हम फिट कर देते हैं जिन दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस हमको मेजर करना होता है। मैनोमीटर में जो फ्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक फ्लूड। लेट अस कंसिडर जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है उसकी डेंसिटी, मास डेंसिटी रो एम है। एम स्टैंड्स फॉर द मैनोमेट्रिक फ्लूड, ओके। एंड जो लिम्ब ए है एंड लिम्ब बी है, दैट इज द लेफ्ट लिम्ब एंड द राइट लिम्ब। लेफ्ट लिम्ब में जो लिक्विड है उसकी मास डेंसिटी रो ए है एंड जो राइट लिम्ब में लिक्विड है उसकी मास डेंसिटी रो बी है, ओके। तो ये जानिए कि जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूड होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, रो एम इज ग्रेटर देन रो ए और रो बी, ओके। अब इसका यूज कब होता है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज तब होता है जब रो ए और रो बी का जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। अगर बहुत कम प्रेशर डिफरेंस है तो हम उस केस में इसको यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक यूज बोलेंगे तो कब आएगा, यूज ये है व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज हाई। अब ऐसा क्यों, इसको हाई प्रेशर डिफरेंस और वी कैन से हाई और मॉडरेट प्रेशर डिफरेंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस स्मॉल होगा, दैट इज पी ए, प्रेशर इन लिम्ब ए एंड प्रेशर इन लिम्ब बी, सो व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस, विल बी इक्वल टू पी ए माइनस पी बी, ओके। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, अगर ये ज़्यादा रहा तो इसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्मॉल रहा तो इसको यूज़ करने में हम लोगों को उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। कारण ये है कि जो यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूड लिया जाता है यूट्यूब मैनोमीटर में, मैंने जैसा कि लिखा है कि द डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड इज हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड्स और फ्लूड्स इन लिम्ब ए एंड बी, जो दो लिम्ब्स हैं उनमें जो मौजूद फ्लूड है उससे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण क्या होता है, देखिए मैंने लास्ट वीडियोस में एक बार ये टॉपिक कवर किया है, एक रिपीट करता हूँ आपको कि जो प्रेशर होता है, दैट इज गिवन बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ, दैट इज रो जी एच, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, रो इनटू जी बिकम्स गामा, दैट इज द मास डेंसिटी, तो पी इक्वल टू हो गया गामा इनटू एच। यहाँ से मैंने बताया था कि एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
गामा। जितनी ज़्यादा इसकी वेट डेंसिटी होगी उतना ही कम हमको हाइट ऑफ कॉलम मिलेगा। तो सेम वही चीज़ है, अगर इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कम हो तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम से जो आपका रेफरेंस एक्सिस है एक्स एक्स एक्सिस, उससे पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है दैट इज एच वन एंड पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है दैट इज एच थ्री एंड जो राइट लिम्ब में आपको कॉलम मिल रहा है मैनोमेट्रिक कॉलम दैट इज एच टू। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पी ए माइनस पी बी कम होगा यानी कि प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो ये जो कॉलम मिल रहा है हमको दैट इज वैल्यू ऑफ एच टू द कॉलम विल बी वेरी स्मॉल। तो उसको रीड करना उतना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा और हो सकता है कि हमको उसमें एरर मिले। सो हम इससे स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, ये सिर्फ हाई और आपके मॉडरेट प्रेशर्स को मेजर करने के काम आता है। अब प्रेशर मेजर करने के लिए सिंपल वही तरीका दैट इज हम पास्कल लॉ जो लगाते हैं वही यूज़ होगा, सेम यहाँ भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाने हैं। जैसे कि यूट्यूब मैनोमीटर है ये, तो हम जानते हैं कि जो लोअर लेवल ऑफ लिम्ब है, जैसे इसमें दो लिम्ब है लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब में आप देख रहे हैं कि लेवल लो है, तो जो लोअर लेवल रहेगा उसको हम रेफरेंस लेते हैं। तो रेफरेंस लेवल मैंने इसको लिया, यहाँ पर मैंने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब इस रेफरेंस एक्सिस पे हम लगाते हैं पास्कल लॉ, क्यों? क्योंकि ये सेम लिक्विड है यहाँ से लेके यहाँ तक के सेम लिक्विड है और सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर इक्वल होता है, दैट इज द पास्कल्स लॉ। ओके, तो इन दोनों इस पर्टिकुलर प्लेन पे जो प्रेशर होगा, एक प्लेन पे प्रेशर जो होगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल हो गया। तो अब इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर इक्वल होना चाहिए, तो दैट इज प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब अबव द रेफरेंस एक्सिस, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दैट इज प्रेशर एट एक्स एक्स प्लेन दैट इज रेफरेंस प्लेन, सो दैट इज प्रेशर एट लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब अबव द रेफरेंस प्लेन। तो इस तरीके से हम फिर हाइड्रोस्टेटिक लॉ लगाएंगे इसमें, दैट इज प्रेशर पी ए प्लस यहाँ तक एक्स एक्सिस तक पहुँचने में हमने जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ वो सारी कैलकुलेशन हम करके हाइड्रोस्टेटिक लॉ लगा करके इसके लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे एंड सोल्यूशन करेंगे, तो हमको फिर पी ए माइनस पी बी यानी कि प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये रहा आपका यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक, अब देखते हैं भाई कि अगर जो इसने एक आपको इसने एक ओपन स्ट्रिंग छोड़ दी है कि इसमें दैट इज़ हाई प्रेशर एंड मॉडरेट प्रेशर बस ये मेजर कर सकता है, ये आपके जो लो प्रेशर डिफरेंस है वो मेजर नहीं कर सकता। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है हमारा सेकंड टाइप, दैट इज़ द इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब देखिए, अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस आपका बहुत कम है, यानी कि पी ए दैट इज़ ये वाले लिम्ब लेफ्ट लिम्ब दैट इज लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर पी ए और राइट लिम्ब का प्रेशर पी बी, इफ़ पी ए माइनस पी बी इज वेरी स्मॉल। ओके, सो इस केस में क्या किया जाएगा? इस केस में ये किया जाएगा कि हम एक ऐसा मैनोमेट्रिक फ्लूड यूज़ करेंगे जिसकी जो वेट डेंसिटी है गामा की जो वैल्यू है वो कम हो। उससे होगा ये कि जो हमारा कॉलम की जो हाइट है वो हमको ज़्यादा मिलेगी फॉर अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। ओके, अगर वहाँ पर वेट डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कॉलम की वैल्यू हमको कम मिलती थी, जैसा कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में हमने देखा। सेम वैसी इसी कॉन्सेप्ट से अगर लाइटर अगर लिक्विड होगा, गामा की वैल्यू अगर कम होगी तो उस लाइटर लिक्विड के लिए जो कॉलम की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, तो उस स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को रीड करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। सो इसके लिए ये करा जाता है कि हम एक लाइटर लिक्विड यूज़ करते हैं, तो लेट अस से द डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड इज रो एम एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन लिम्ब ए और द लेफ्ट लिम्ब इज रो ए एंड द राइट लिम्ब इज रो बी। तो मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी जो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर केस में होती है उसका रिलेशन होता है रो एम दैट इज मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ इन राइट लिम्ब एंड लेफ्ट लिम्ब। ठीक है, लेफ्ट और राइट लिम्ब में जो भी लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी के कंपेयर में इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि कम प्रेशर डिफरेंस के लिए हमको ज़्यादा वैल्यू मिलती है कॉलम की और हम उस प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ इसके लिए ये हो गई नोट डाउन करने लायक,
ठीक है। कुछ केसेस में मैनोमेट्रिक फ्लूड को हम यहाँ पर एयर भी ले लेते हैं, ओके। जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई भी हम लिक्विड ही यूज करें, यहाँ पर हम एयर भी यूज कर सकते हैं अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा लो है तब, ओके। अब यहाँ हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं रेफरेंस एक्सिस चूज करने के लिए। तो देखिए हमने कुछ नया नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ जो प्रेशर मेजर करने के लिए जो यूट्यूब था पहले हमारे पास, उस यूट्यूब को हमने 180 डिग्री पलट दिया, जो नीचे की तरफ होता था उसको इन्वर्ट करके हमने उल्टा कर दिया, जस्ट इन्वर्टेड यूट्यूब। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग लोअर लेवल ऑफ लिम्ब को रिफरेंस मानते थे तो ये इसको पलट देंगे जब तो ये बन जाएगा हायर लेवल। ये अभी लोअर लेवल था लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 180 डिग्री घुमा दूं तो ये लोअर लेवल, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हायर लेवल, ओके। ये हायर लेवल बन जाएगा। तो सेम वही जो इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसमें हम हायर लेवल को ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड को लेते हैं रिफरेंस एक्सिस। तो नोट डाउन करने लायक बात है यहाँ पर, दैट हायर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड इज टेकन एज रिफरेंस एक्सिस, ओके। तो ये हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय याद रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। सेम हम इस एक्सिस के रिफरेंस में हम जो मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन होगा आपका द प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब अबव एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब अबव और वी कैन से बिलो द एक्स एक्सिस, ओके। सो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब बिलो एक्स एक्सिस will be equal to pressure in right limb below x axis. इस equation को लिख करके, manometric equation को लिख करके हम complete solution कर सकते हैं और PBA minus PB हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम YouTube manometer पे based एक question, okay? तो हमारे पास एक YouTube manometer पे based question है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो पाइप्स हैं, पाइप ए एंड पाइप बी, जिनमें प्रेशर पी ए इक्वल टू 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड पाइप बी में प्रेशर पी बी इक्वल टू 1.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो पाइप ए है उसमें जो फ्लूड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है क्वेश्चन में 1.5, जो पाइप बी है उसमें जो फ्लूड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.9, ओके। जो डिफरेंट वैल्यूज है कॉलम्स की वो आपको डायग्राम में गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो h है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूड की जो कॉलम की लेंथ है दैट इज h, वो क्या है, h की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया है कि मैनोमेट्रिक फ्लूड जो है दैट इज दी मर्करी, ओके। hg आपको गिवन है। अब hg के लिए हम जानते हैं जो hg यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज 13.6, ओके। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि रेफरेंस एक्सिस कहाँ पर है। कुछ क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन का फिगर होगा उसमें डायरेक्टली रेफरेंस एक्सिस आपको बना करके दे दिया होगा, लेकिन अगर सपोज ये रेफरेंस एक्सिस हमारे पास नहीं होता तब क्या करते। रेफरेंस एक्सिस नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन में नहीं गिवन है डायरेक्ट, तो उस समय आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है कि जो लोअर लेवल होगा लिम्ब में वो आपका रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस एक्सिस बनेगा। तो लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब को देखते हैं तो जो राइट लिम्ब वाला साइड है उस तरफ मैनोमेट्रिक फ्लूड का हमारे पास लोअर लेवल अवेलेबल है, तो ये लोअर लेवल को हम मानेंगे रेफरेंस प्लेन। लोअर लेवल से गुजरने वाले एक प्लेन को एज्यूम करेंगे एक्स एक्स प्लेन को, और ये जो प्लेन होगा दैट विल बी अवर रेफरेंस प्लेन। अब सॉल्यूशन जो इस प्रॉब्लम का है दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ के एक सेम प्लेन पे मौजूद दो पॉइंट्स पे प्रेशर हमेशा सेम होता है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये प्लेन इसी सिंगल मैनोमेट्रिक फ्लूड में मौजूद है। सो यूजिंग पास्कल लॉ, यूजिंग पास्कल्स लॉ वी कैन राइट प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में सेम होगा एज पर दी पास्कल लॉ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं दे आर इन अ सिंगल प्लेन, ओके। तो हम लिखना चालू करते हैं। अब देखिए लिखने के लिए
इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको सर्टेन वैल्यूज हमको निकालनी पड़ेंगी, जैसे कि इस फ्लूड की डेंसिटी कितनी है। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जो साइड ए है, लेफ्ट लिम्ब है, उसमें जो मौजूद फ्लूड है उसकी मास डेंसिटी है रो ए, और जो साइड बी में यानी कि राइट साइड में जो फ्लूड फील्ड है उसकी डेंसिटी है रो बी। अब क्वेश्चन में आपको दोनों साइड जो फ्लूड मौजूद हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 एंड 0.9 गिवन है। ओके, तो मैं इस साइड की डेंसिटी लिख सकता हूँ रो इक विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड दैट इज 1000, तो 1.5 इंटू 1000 के जी पर मीटर क्यूब। ओके, तो रो ए आ रहा है आपका 1500 के जी पर मीटर क्यूब। आपको मास डेंसिटी की वैल्यू मिल गई फ्लूड ए के लिए, देन सिंपली आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है साइड बी के लिए 0.9, तो फ्लूड बी के लिए इसकी डेंसिटी वैल्यू जाएगी 0.9 इनटू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड दैट इज 1000, तो इट कम्स आउट टू बी 900 के जी पर मीटर क्यूब। तो ये आपकी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब मैं सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ इसके लिए। लेफ्ट लिम्ब के लिए होगा आपका प्रेशर एट ए पी ए प्लस प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर फ्लूड ए। यहाँ से यहाँ तक के देखिए फ्लूड ए भरा हुआ है, कोई डिफरेंट फ्लूड नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 5 मीटर, तो 5 मीटर तक के कितना प्रेशर आया, दैट विल बी रो ए इंटू जी इंटू हाइट दैट इज 3 प्लस 2 5 मीटर्स। ओके, देन यहाँ पर आपकी एच हाइट तक के भरा हुआ है मैनोमेट्रिक फ्लूड, तो उसके लिए इस मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी, लेट अस अज्यूम के जो मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी है दैट इज रो एम। ओके, इसकी जो डेंसिटी है रो एम है, रो एम हम निकाल सकते हैं, रो एम आपका आ जाएगा। देखिए मैंने बताया पहले भी कि जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो आपको हमेशा याद रखनी है। जो मरकरी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमेशा 13.6, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। सो 13.6 से हम निकाल सकते हैं 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड दैट इज 1000, इट कम्स आउट टू बी 1360 के जी पर मीटर क्यूब। सो मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी हमारी आ गई 1360 के जी पर मीटर क्यूब। सो इक्वेशन कंप्लीट करते हैं, रो एम इंटू जी इंटू एच, सो दिस इज द प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब। अब लिखते हैं प्रेशर इन राइट लिम्ब, तो दिस विल बी पी बी प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूड बी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी 2 मीटर्स प्लस एच। ओके, सो आ जाएगा प्लस प्रेशर इंक्रीज होगा रो बी इंटू जी इंटू हाइट है यहाँ पर 2 प्लस एच। ओके, सो इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करके और इसको सॉल्व करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन करते समय एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रेशर पी ए एंड पी बी जो गिवन है दैट इज नॉट इन ऐसा यूनिट, और बाकी सारी जो वैल्यूज हैं लाइक जी रो एंड एच सारी ऐसा यूनिट्स में हैं। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पी ए और पी बी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्ट हम एच की वैल्यू ला सकते हैं। देखिए पी ए आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखिए 1 cm इज इक्वल टू होता है 10^-2 meters, सो 1 cm स्क्वायर आपका हो जाएगा 10^-4 meters स्क्वायर, ये बेसिक कन्वर्जन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी ए विल बी इक्वल टू 1 kgf अपॉन 10^-4 meters स्क्वायर दैट इज 10^4 kgf पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मैं 10^4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर kgf पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी kgf नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा यूनिट में यानी कि न्यूटन में चाहिए। तो मैं इसको न्यूटन में, केजी को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 9.81 m/s² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पी ए आ जाएगा आपका 10^4 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सिंपल इसका कन्वर्जन हो गया। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं पी बी लिख सकता हूँ। देखिए पी बी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1.8 इंटू 10^4 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया, अगर आपको प्रॉब्लम रही होगी कन्वर्जन में तो आप ये कन्वर्जन रिफर कर सकते हैं। ओके, सो अब इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, जो हम वैल्यूज निकाले उनको यहाँ पर पुट करते हैं। सो पी ए दैट इज 10^4 इंटू 9.81, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, प्लस
रो ए हमारे पास है 1500 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1500 केजी पर मीटर क्यूब इंटू जी दैट इज 9.81 इंटू हाइट जो है यहाँ पर दैट इज 5, 3 प्लस 2 5 प्लस रो एम है 1300 इंटू जी 9.81 इंटू एच, दिस इज द प्रेशर ऑफ लेफ्ट लिम इक्वल टू प्रेशर ऑफ राइट लिम दैट इज 1.8 पीए की वैल्यू, सॉरी पीबी की वैल्यू 1.8 इंटू 10 एस टू पावर 4 इंटू 9.81 दिस इज पीबी प्लस 900 दैट इज रो बी इंटू 9.81 इंटू 2 प्लस एच। ओके सो दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन, इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो एच की वैल्यू आती है। चलिए देखते हैं एच की वैल्यू क्या आ रही है। सो सॉल्यूशन करने पे आएगा एच इक्वल टू 0.181 मीटर्स और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एच इक्वल टू हो जाएगा 18.1 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोसीजर कैसा रहता है किसी भी यूट्यूब मैनोमीटर के लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके तो इसमें इस केस में आपको दो पाइप दी हैं, पाइप ए एंड पाइप बी, जिनके बीच हम एक इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर फिक्स किए हैं। इस इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है उसकी डेंसिटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है 0.8। ओके तो दोनों पाइप्स हैं ए एंड बी, दोनों में सेम फ्लूड है और वो फ्लूड वाटर है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिम्ब ए और लिम्ब बी के बीच प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके सो सबसे पहले आपको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है उसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में उससे हमको आसानी होती है। सो डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड रो एम विल बी इक्वल टू एस जी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड इनटू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड दैट इज 1000। सो दैट विल बी योर 0.8 इंटू 1000 दैट इज 800 केजी पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी आ गई। जो आपको बाकी के जो दो लिक्विड्स हैं दैट इज द लिक्विड इन लिम्ब ए एंड लिम्ब बी, दोनों वाटर हैं, सो रो ए विल बी इक्वल टू रो बी दैट विल बी इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब सिंपल हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट उठता है कि हम रेफरेंस लेवल कौन सा लेंगे, तो फिर रेफरेंस लेवल जो हायर लेवल दिखता है वो लेंगे हम लोग इन इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का केस है, तो इसमें जो हायर लेवल दिख रहा है, जो लेवल ऊपर दिख रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूड का, उसको हम लोग रेफरेंस लेवल लेंगे। तो ये वाला लेवल ऊपर है एज कम्पेयर टू दिस लेवल, तो इस लेवल को हम लोग रेफरेंस प्लेन ले लेंगे। सो दिस इज योर रेफरेंस प्लेन एक्स एक्स। अब इस रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम लोग जो मैनोमेट्रिक इक्वेशन है लिखेंगे। अब एक्स एक्स सेम प्लेन है, ये जो दो पॉइंट है उन पे पास्कल्स लॉ से प्रेशर बिलो द रेफरेंस एक्सिस सेम होगा। सो लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग पास्कल लॉ, प्रेशर बिलो एक्स एक्स प्लेन इन लेफ्ट लिम विल बी इक्वल टू प्रेशर बिलो एक्स एक्स प्लेन इन राइट लिम। ओके सो सिंपली हम लोग अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट लिम में, तो लेफ्ट लिम में इस लेवल के नीचे कितना प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका ये वाटर भरा हुआ है, यहाँ से नीचे एक्स एक्स प्लेन के नीचे वाटर भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी है आपका रो ए इंटू जी इंटू एच। सिंपल हाइड्रोस्टेटिक लॉ लगा करके मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। एच की वैल्यू यहाँ पर आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है, हम इसको मीटर में लिखेंगे दैट इज 0.3 मीटर्स। ओके नाउ प्रेशर एट ए दैट इज प्लस पी ए, ओके विल बी इक्वल टू द प्रेशर इन राइट लिम। तो राइट लिम जो है दैट इज यहाँ से नीचे तक का प्रेशर, देखिए सबसे पहले ये हाइट आएगी, अब ये हाइट डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो देखिए ये टोटल हाइट आ रही हो रही है आपकी 30 प्लस 20 दैट इज 50 और ये 30 दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 20 सेंटीमीटर्स, ये हाइट आपकी आ गई। ओके
सो जो मैनोमेट्रिक फ्लूड का कॉलम है उसकी जो लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब लिखता हूँ मैं प्रेशर बिलो द एक्सेस प्लेन इन द राइट लिम्ब। तो यहाँ से नीचे 20 सेंटीमीटर तक के यहाँ तक फ्लूड भरा हुआ है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूड। तो यह आ गया डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड इंटू जी इंटू एच। एच है ये 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2। देन अब आगे हम इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट से नीचे तक कितना प्रेशर है, इस पॉइंट से यहाँ तक प्रेशर कितना आएगा आपका, यहाँ तक भरा हुआ है फ्लूड जिसकी डेंसिटी है रो बी, वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, सो दैट विल बी रो बी इंटू दिस हाइट इंटू जी। ओके, तो आपकी हाइट है यहाँ पर 0.3 प्लस प्रेशर इन पॉइंट बी पी बी। ओके, अब हमको चाहिए प्रेशर डिफरेंस, दैट इज हमको चाहिए पी ए माइनस पी बी। तो पी ए और पी ए माइनस पी बी हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं। सो हमको प्रेशर डिफरेंस ये तो लिखते हैं पी ए माइनस पी बी, पी बी को उस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, बाकी टर्म्स को उधर ले जाते हैं राइट साइड में और लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं इक्वेशन को। रो एम इंटू जी इंटू 0.2, रो एम दैट इज मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी 800 इंटू 9.81 इंटू 0.2। ओके, प्लस रो बी इंटू जी इंटू पॉइंट, रो बी की वैल्यू है 1000, तो 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.3। फिर जो ये टर्म है ये इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस रो ए भी वाटर ही है, सो दैट इज 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.3। दोनों सेम टर्म है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पी ए माइनस पी बी यहाँ से आ रहा है आपका 800 इंटू 9.81 इंटू 0.2। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ रहा है 1569.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट नंबर बी। तो चलिए अब हम देखते हैं माइक्रोमैनोमीटर ऑफ डिफरेंशियल टाइप, यानी कि ऐसा माइक्रोमीटर जो कि दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर के डिफरेंस को हमको बताएगा, मेजर करेगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसमें दो लिम्ब्स होते हैं जैसे कि नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर में होता है, बस उन लिम्ब में एक एक्स्ट्रा उसमें एक कंस्ट्रक्शन होता है दैट इज नोन एज वेल। इस वेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज कैपिटल ए, और जो आपकी ट्यूब है मैनोमीटर की उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज स्मॉल ए, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब इज स्मॉल ए। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी मैनोमेट्रिक इक्विपमेंट में लाइक यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर, इन सब में किसी भी तरीके का प्रेशर मेजर करने के लिए कोई एरर ना हो, दैट्स वाई हम इसकी जो ट्यूब का डायमीटर रखते हैं वो 1 सेंटीमीटर दैट इज 10 mm या 12 mm के बीच से एटलीस्ट ज़्यादा रखते हैं। ओके, जो उसकी डायमीटर की वैल्यू होती है वो 10 mm या फिर 12 mm से ज़्यादा रखते हैं। कारण ये है कि अगर जो हम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं इन यू ट्यूब मैनोमीटर और इन एनो मैनोमीटर, उस केस में अगर उसका डायमीटर 10 mm से कम होगा तो उसमें कैपिलरी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कैपिलरी राइज या कैपिलरी डिप्रेशन उस केस में आने लगता है, जिससे कि जो रीडिंग मिलेगी उस पर वहाँ पर एरर रहेगा। दैट्स वाई हम कैपिलरी इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए यूट्यूब मैनोमीटर की जो पाइप्स होती हैं उनका डायमीटर हम 10 mm के से ज़्यादा रखते हैं। ओके, सो दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली इसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है एंड दैट इज ए। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए जो माइक्रोमैनोमीटर होता है इसका यूज़ जो स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस हैं उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। अब कैसे इसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, अब देखिए इसमें और नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर में डिफरेंस ये है, जो नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर होता है उसमें सिर्फ मेजरली आपके पास 2 या 3 फ्लूड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट के बीच इसको फिट किया हूँ, तो पॉइंट ए या पाइप नंबर ए में जो फ्लूड है वो एक फ्लूड, और जो पाइप बी में या सेकंड पाइप में जो फ्लूड है दैट इज दैट फ्लूड। तो ये 2 फ्लूड को मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो इस मैनोमीटर में फ्लूड है, तो इस मैनोमीटर में 2 फ्लूड यूज होते हैं, 1 इज कॉल्ड गेज लिक्विड एंड 2nd इज नोन एज द मैनोमेट्रिक लिक्विड। ओके, दिस इज द गेज लिक्विड, दिस इज गेज लिक्विड एंड दिस इज मैनोमेट्रिक लिक्विड। लिक्विड गेज लिक्विड यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई स्मॉल प्रेशर भी है तो इस गेज लिक्विड के कारण हमको जो कॉलम मिलता है मैनोमेट्रिक फ्लूड में वो ज़्यादा मिलता है। वो कैसे मिलता है,
किस तरह से मिलता है, हम जब इस पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पर हमको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखना है कि जब हम कोई एडिशनल गेज लिक्विड यूज़ करते हैं जिसकी डेंसिटी कंसिडरेबल है, तो उस केस में जो मैनोमेट्रिक कॉलम है वो हमको ज़्यादा मिलता है और हम उससे स्मॉल प्रेशर्स भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो जो ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट पे पहले से एक प्रेशर लग रहा है P1, और जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पर हमने इसको फिट किया है राइट लिम में, दैट इज वहाँ पर प्रेशर लग रहा है P2। ओके, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो दोनों पाइप्स हैं उन दोनों पाइप्स में वाटर भरा हुआ है, वाटर की डेंसिटी में लिखा हूँ रो डब्ल्यू। दोनों जो पाइप्स हैं उनमें जो वाटर है उसकी डेंसिटी है रो डब्ल्यू। ओके, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से प्रेशर मेजर करा जा रहा है उस पॉइंट की हाइट है एच। ओके, उस पॉइंट की हाइट एच है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, अब जब इस पर प्रेशर P1 एग्जर्ट होगा, तो सपोज पहले जो यहाँ पर गेज लिक्विड था वो इस पर्टिकुलर लेवल पे था, तो दैट वाज द इनिशियल लेवल ऑफ गेज लिक्विड। ये गेज लेवल का इनिशियल लेवल था। जब उसमें प्रेशर P1 एग्जर्ट हुआ तो इस प्रेशर ने गेज लिक्विड को नीचे की तरफ पुश किया, फिर जिसके कारण इस गेज लिक्विड की हाइट में कमी आई डेल जेड। डेल जेड इज द फॉल ऑफ लेवल। ओके, ये इतना इसका लेवल नीचे चला गया, डेल जेड नीचे चले गया। अब जो मैनोमेट्रिक फ्लूड था, सेम उसी इनिशियल कंडीशन पे आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूड था वो इस लेवल पे था, सो दैट वाज द इनिशियल लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। तो ये इनिशियल लेवल है मैनोमेट्रिक लिक्विड का, ये इनिशियल लेवल है गेज लिक्विड का। दोनों के इनिशियल लेवल्स में जो डिस्टेंस है दैट इज जेड, दोनों के इनिशियल लेवल का जो डिस्टेंस है दैट इज जेड। अब जब इस पर प्रेशर ऐड करेगा तो डेफिनेटली ये लिक्विड, गेज लिक्विड नीचे चले गया, हमने देखा उसकी जो डिफरेंस है जितना वो नीचे गया दैट इज डेल जेड। अब क्या होगा, देखो जो लिक्विड है यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, ये वॉल्यूम जब इधर पुश होगा इधर इस पाइप में जाएगा, तो इस पाइप में जाने के कारण वो जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है उसको एक सर्टेन डिस्टेंस पुश किया, तो ये इसका नया लोअर लेवल मिल गया। तो अब ये हमारा एक्स एक्स प्लेन जो अब है वो हमारा नया रेफरेंस प्लेन है। तो जितना ये पहले इस लेवल पे था, इस लेवल से सपोज ये कोई डिस्टेंस गया, ये डिस्टेंस, ओके, तो इतना फ्लूड, इतना ही लेवल वो राइट लिम में ऊपर की तरफ जाएगा इनिशियल लेवल से। तो लेट अस से जो अब फाइनल कंडीशन में हमको जो कॉलम मिला है इन राइट लिम दैट इज वाई। तो जितना वो रेफरेंस लेवल से नीचे गया था उतना ही वो रेफरेंस लेवल से ऊपर इस तरफ है, सो दिस विल बी y/2 एंड दिस विल आल्सो बी y/2। जितना वो इनिशियल लेवल से ऊपर है उतना ही लिक्विड हमारे इनिशियल लेवल से नीचे भी है, दैट इज द लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर है। फिर यहाँ पर जब लेवल बढ़ा तो फिर जो राइट लिम था उसमें जो गेज लिक्विड था उसका लेवल गेज लिक्विड के इनिशियल लेवल से ऊपर चले गया बाय डेजर्ट, क्योंकि दोनों सेम लिक्विड है, जितना लेवल यहाँ गिरा है गेज लिक्विड का उतना ही लेवल यहाँ पर गेज लिक्विड का बढ़ गया है। तो इस तरीके की पूरी सिचुएशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसकी सिचुएशन किस तरह की है। अब हम इस पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन लगाएंगे इन प्लेन एक्स एक्स। सो पास्कल लॉ लगाते हैं हम प्लेन एक्स एक्स पे, सो प्रेशर अबव एक्स एक्स इन लेफ्ट लिम विल बी इक्वल टू प्रेशर अबव एक्स एक्स इन राइट लिम। ओके, सो राइट लिम से, लेफ्ट लिम से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर है सबसे पहले P1, P1 के बाद जो प्रेशर है दैट इज ड्यू टू द वाटर। सो देखिए यहाँ पर जो वाटर है उसने गेज लिक्विड को पुश कर दिया, तो अब पहले जब इनिशियल लेवल पे था गेज लिक्विड तो हाइट थी उसकी H1 वाटर के, है ना, अब वाटर ने उसको पुश कर दिया एक्स बाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट इज डेल जेड। तो अब वाटर की टोटल हाइट हो जाएगी H प्लस डेल जेड। ओके, सो प्रेशर हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक लॉ से रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट, हाइट टोटल है उसकी H प्लस डी जेड। ओके, देन अब हम यहाँ पर आ गए। अब इस पॉइंट से यहाँ तक आपका गेज लिक्विड है, तो ये लेंथ कितनी है देखते हैं। चलिए ये है जेड प्लस y/2 माइनस डेल जेड। ओके, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए गेज लिक्विड की डेंसिटी, गेज लिक्विड की डेंसिटी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रो जी। रो जी इज द डेंसिटी ऑफ गेज लिक्विड, गेज लिक्विड की मैं डेंसिटी ले लिया रो जी। तो अब लिखता हूँ यहाँ पर रो जी
इंटू जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इंटू उसकी जो हाइट बन रही है दैट इज जेड माइनस डेल जेड प्लस वाई बाई टू। ओके सो ये हो गया पूरा लेफ्ट लिम कंप्लीट। अब जाते हैं राइट लिम में। राइट लिम में इस पॉइंट पे प्रेशर है पी टू, तो पी टू प्लस जो वाटर का लेवल है यहाँ पर राइट लिम में, पहले था एच वन, अब यहाँ से जो पुश होके आपका गेज लिक्विड आया है वो इसने उस गेज लिक्विड ने फिल कर दिया डेल जेड हाइट, तो वाटर की हाइट कितनी बची एच माइनस डेल जेड, तो वाटर की लिखेंगे यहाँ पर रो रो डब्ल्यू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच माइनस डेल जेड। ओके तो हम इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट से यहाँ तक के, इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक के आपका भरा हुआ है गेज लिक्विड, और इस पॉइंट की लेंथ क्या रही है देखिए, ये टोटल है जेड, दिस इज जेड, ये जेड, ये जेड, दोनों जेड है, ये जेड है, जेड माइनस वाई बाई टू प्लस डेल जेड। तो लिखते हैं गेज लिक्विड प्लस रो जी इंटू जी इंटू जी इंटू जेड प्लस डेल जेड डेल जेड माइनस वाई बाई टू प्लस। अब हम इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है आपका वाई, और यह है आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड। मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी रो एम इंटू जी इंटू जो हाइट है दैट इज वाई। तो यहाँ पर आपका मैनोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब इस इक्वेशन को हम एक्सपांड करते हैं, ये जाएगा पी वन प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डेल जेड प्लस रो जी इंटू जेड माइनस रो जी इंटू डेल जेड प्लस रो जी इंटू वाई बाई टू। ओके इज इक्वल टू पी टू प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डेल जेड प्लस रो जी इंटू जेड प्लस रो सॉरी हाँ प्लस रो जी इंटू डेल जेड माइनस रो जी इंटू वाई बाई टू प्लस रो एम इंटू जी इंटू वाई। ओके तो देखते हैं, देखिए इस तरफ भी है आपका रो डब्ल्यू जी एच और इस तरफ भी है आपका प्लस रो डब्ल्यू जी एच, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इधर है आपका रो जी डेल जेड रो डब्ल्यू जी डेल जेड, यहाँ माइनस रो डब्ल्यू जी डेल जेड है, दोनों ऐड जाएंगे एक दूसरे में, नेक्स्ट लाइन में हम लोग उसको ऐड कर देंगे। देन है आपका रो जी जेड दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। देन है आपका माइनस रो जी डेल जेड, इस तरफ भी माइनस, इस तरफ आपका प्लस रो जी डेल जेड है, दोनों एक दूसरे से ऐड जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। रो जी इंटू जी इंटू वाई बाई टू, रो जी इंटू यहाँ माइनस रो जी इंटू वाई बाई टू, ये दोनों भी ऐड जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिखते हैं। सो जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है पी वन माइनस पी टू दैट कम्स आउट टू बी रो एम इंटू जी इंटू वाई प्लस टू रो जी इंटू डेल जेड माइनस टू इंटू रो जी इंटू वाई बाई टू माइनस टू इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डेल जेड। अब देखते हैं डेल जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं इन गेज लिक्विड। कैसे देखिए, जब यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट किया गया तो यहाँ जो गेज लिक्विड था वो जितना वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उतना ही एग्जैक्ट वॉल्यूम इस पाइप में क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द वेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम सप्लाइड टू द ट्यूब। ओके सो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू volume of gauge liquid moved in tube। okay so इसका volume हो जाएगा area of cross section of well into del z is equal to
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब हम देख चुके हैं स्मॉल ए है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डिस्प्लेसमेंट है आपका वाई बाई टू. ओके, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई बाई टू. तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. ओके, तो यहाँ से डेल जेड आ रहा है आपका ए बाई कैपिटल ए वाई इंटू वाई बाई टू. ओके, ये z की वैल्यू है, डेल z की वैल्यू. अगर आपको यहाँ स्मॉल और कैपिटल A क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है तो उस वहाँ से आप a और कैपिटल A की वैल्यू पुट करके यहाँ रख सकते हो और दोनों पॉइंट के बीच प्रेशर के डिफरेंस आप बता सकते हो. लेकिन अगर इफ a इज वेरी वेरी स्मॉल देन a, अगर a बहुत स्मॉल a बहुत छोटा हो कैपिटल A के कंपेरिजन में, यानी कि वेल बहुत बड़ा हो एज कम्पेयर टू द ट्यूब, तो उस केस में z del z will be negligible. ओके, अब del z negligible है तो जो जो टर्म्स आपके del z वाले वो भी negligible होंगे, तो हम उन टर्म्स को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं. तो इन दिस केस व्हेन a इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल A, p1 माइनस p2 आपका आएगा rho m इंटू g इंटू y, ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो गया, बचा ये वाला टर्म 2 इंटू रो जी इंटू जी इंटू वाई बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, आ गया माइनस रो जी इंटू वाई. फिर ये वाला टर्म इसमें भी डेल जेड है, इसको भी नेगलेक्ट कर दिए. तो दोनों पॉइंट्स के बीच पी वन माइनस पी टू प्रेशर डिफरेंस आ रहा है आपका रो एम माइनस रो जी इंटू जी इंटू वाई. सो दिस विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट वन एंड टू मेजर्ड बाय द माइक्रो मैनोमीटर. ओके, तो इस तरीके का ये इक्वेशन का यूज करके आप किसी भी माइक्रो मैनोमीटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. तो यहाँ पर हमारे डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो टॉपिक है वो कवर होता है. हमारा जो माइक्रो मैनोमीटर का टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड जो हम न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और सिमिलर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो गेट ईएस में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं एंड कुछ और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन के का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू.